आदुरात्मा बोतल छुहात माँ दाजो तुलची पड़ी बाट माँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित बिस्ट व्लॉग्स। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमित बिस्ट व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? हम लोग कई उद्यान की तरफ जा रहे थे, 4 से 5 घंटे हो गए लगातार सफ़र करते हुए, बट अभी तक पहुंच नहीं पाए। ये रास्ते में ही रुके हैं हम, यहाँ पे ये जंगल के बीच में है, सो शायद आज हमको यहीं रुकना पड़ेगा। हम पूरी आउटिंग के हिसाब से लेके गए थे सामान, लेकिन अब कुछ यहीं पर रुकना पड़ेगा। तो इंतज़ाम है हमारे पास रुकने का, जैसे चटाई है और कुछ बनाने के लिए भी है। चाचा साथ में जो थे उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है, तो आज रात जो भी कुछ होगा क्या क्या इंतज़ाम करते हैं और बॉन फायर का भी सब इंतज़ाम है, सो आपको दिखाएंगे। चल के साथ बने रहिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम आग जला लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा उजाला कर लेते हैं, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हमको भी नहीं दिख रहा है और आपको भी नहीं दिखेगा। तो हम पहले मार्ची जला के पहले यहाँ ये आग लगा लेते हैं। गाइस, मेरे पास जो लकड़ी है ये चीड़ की लकड़ी है और इसमें से केमिकल निकलता है जिसे हम लोग लीसा बोलते हैं। ये लकड़ी बहुत आसानी से आग पकड़ लेती है, सो आप देख रहे हैं एकदम से आग पकड़ ली इसने। तो इस पर कोई केरोसिन किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सो आज इसी से कैंपिंग करेंगे, बॉनफायर लगाएंगे। सबसे नीचे पहले आग लगनी चाहिए और नीचे से आग ऊपर को आती है। तो गाइस, फाइनली आग जल गई है और चाचा सब साथ में है, और अब देखिए थोड़ी देर बात करते हैं, थोड़े किस्से कहानियाँ सुनते हैं इनके साथ, फिर आगे कुछ बनाएंगे। तो कुछ सुनाएंगे आप? क्या सुनाना है, फिलहाल तो मेरे को भूख लगी है, फिलहाल तो खाना बनाना है। आग तो हमने लगाई दी जैसे तैसे, और डर भी लग रहा है क्योंकि यहाँ शेर भी आता है, बाघ भी आता है, दो ही दो आइटम आते हैं यहाँ। सो गाइस, फाइनली आग भी जल चुकी है और बॉनफायर भी तैयार है बिल्कुल। सो कुछ पूछ लेते हैं चाचा से, एक गाना है इन्होंने अपने यहीं बनाया, अपने हाथ से बनाया है, अभी बता दो वो गाना कुछ था, आप बता। चाचा को अच्छा था। वाल चूर। ओ। ओ। तो सुना दो फिर गाना। आदुरात्मा बोतल छुहात माँ दाजो तुलची पड़ी बाट माँ। आदुरात्मा बोतल छुहात माँ दाजो तुलची पड़ी बाट माँ। रड़ीगी चाख माँ लगे छो नाख माँ दाजो तुलची पड़ी बाट माँ। थैंक यू। गाइज, आज बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले मैंने कभी रात को पहाड़ों में कैंपिंग नहीं करी और ऐसा बॉन फायर भी नहीं किया पहाड़ों में, तो बहुत अच्छा लग रहा है और थैंक्स टू चाचा। सो आज रात को काफ़ी मज़ा आने वाला है। किसी को भूत प्रेत लग जाता है, छल लग जाता है जैसे, तो ऐसी रात को हम गधेरू में, घास इधर उधर जंगलों में, जहाँ को जिसको जहाँ का छल लगा होता है, भूत लगा होता है, वहाँ पूजने के लिए जाते हैं। ऐसे ही वहाँ पे भी 10-15 जने जाते हैं, पुजारी भी जाता है, नमक तो लाए नहीं, बकरी भी लेके जाते हैं, मुर्गा भी लेके जाते हैं, तो वहाँ पूछते हैं और पका पकू के उसको वहाँ ऐसी खा के आते हैं। जैसी पिकनिक अभी हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो ऐसी हम वहाँ पे भी बकरी को काट कूट के उसको पूजा होजा दे के खा पी के, दारू वालों ने दारू पी और खाने वाले ने खाया, दारू पीने वाले तो खाते गए हैं, झगड़ा करके और आ जाते हैं। गाइस, चाचा चिकन बना रहे हैं और एक बार पूछ रहे थे कितना समय लगेगा। चाचा, कितना समय लगेगा इसमें? 5 मिनट। हाँ, 5 मिनट लगेंगे, उसके बाद सब कुछ तैयार है और मुंह में पानी आ रहा है, तो आज मज़ा ही आ जाएगा। अच्छा, इसका एग्जैक्टली नाम क्या है? चिकन शाही कोरमा। गाइस, जंगल के बीच में चिकन शाही कोरमा खाने को मिलेगा, सोचा नहीं था, बट इनका काफ़ी नॉलेज है, पहले चाचा शेफ रहे हैं। ये हमारा शाही कोरमा जो है ये हमारा रेडी हो चुका है।
सो चिकन तैयार है, अब चाचा सर्व कर रहे हैं, उसके बाद आते हैं। पानी आ रहा मुँह में। चाचा थोड़ा सा जल्दी कर लो, भूख लग रही है। हो गया, अब तो भूख लग रही है, अब तो खाना ही है। गाइस फाइनली खाना भी खा लिया है और अब रात को यहीं सोएंगे, सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल चलेंगे। और फ़ोन की बैटरी भी काफ़ी लो हो चुकी है, शायद पॉसिबल नहीं होगा कि आपको सुबह शूट करके दिखाएं, सो व्लॉग को यहीं भी ख़त्म करना पड़ेगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, उस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें और मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड नाइट। तो आप तो हमको यहीं सोना पड़ेगा फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं है, हमको हमारे पास है तो हम सो रहे हैं। गुड नाइट।